अस्सलाम वालेकुम, आप सबको एक बार फिर से वेलकम है मेरे YouTube चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज मैं हूँ अपने किचन में मौजूद, आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ आज की अपनी एक रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ एग फ्राइड राइस लंच में। आज है ट्यूसडे का दिन और जो है मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले मैं इसमें लहसुन डाल दूँ, बाकी बातें फिर करते हैं। तो यहाँ मैंने दो जगह लहसुन के बिल्कुल बारीक से चॉप कर लिए और उनको मैंने इसमें ऑयल में जो है वो डाल दिया। ठीक है, तो जैसे कि हमारे थोड़े से ये गोल्डन ब्राउन से होंगे, मैं इसके अंदर अपनी कटिंग हुई वेजिटेबल्स जो मैंने रखी हैं वो इसमें शामिल करेंगे। तो वीडियो के जाने मजीद बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें, वीडियो को विदाउट स्किप किए देखें और लाइक करें, अच्छे अच्छे से कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो यहाँ जैसे ही हमारी लहसुन की प्याज से खुशबू आ रही है और इसमें मैं डालूँगी वेजिटेबल्स, जिसमें मैं डालूँगी इसमें गाजर, शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, उसके साथ हमारे पास स्प्रिंग अनियन यानी कि हरी प्याज भी मौजूद है। जैसे ही लहसुन मेरी अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हुई, मैंने इसके अंदर डाल दी हैं दो सब्जियां भी डाली हैं। मैंने डाली है हरी शिमला मिर्च और बंद गोभी। अब मैं डाल रही हूँ इसमें कटी हुई गाजर। ठीक है, इन सबको अच्छे से हमें कर लेना है मिक्स। कितनी प्यारी सी हमारी सब्जी का कलर जो है वो लग रहा है, ब्यूटीफुल सा कलरफुल सी लग रही है और बहुत ही अच्छी लग रही है। ठीक है, मैं इसको बनाती हूँ अपने स्टाइल से। मैं कोई रेस्टोरेंट वगैरह के स्टाइल जो है वो नहीं कॉपी करती, मैं अपने तरीके से एग फ्राइड राइस जो है वो बनाती हूँ, जिसकी रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को ज़रूर डिफरेंट लगेगी, यूनिक सी लगेगी और बहुत पसंद आएगी। ज़रूर बना के देखिएगा, बिल्कुल सिंपल मेथड है। अभी मैंने सिर्फ इसमें तीन सब्ज़ियाँ डाली हैं, मैंने इसमें स्प्रिंग अनियन अभी शामिल नहीं की। वो जब सब्ज़ियाँ हमारी थोड़ी सी सौते हो जाएंगी, अच्छे से जो है वो थोड़ी हल्की हल्की कुक हो जाएंगी, उसके बाद मैं इसके स्प्रिंग अनियन और अपने बाकी के जो हमने दो चार मसाले इसमें डालने हैं वो हम डालेंगे। दूसरी तरफ मैंने चावल भी भिगा के रखे हुए हैं पानी में, तो सब इसको मैं कर देती हूँ अब कवर लिड से और इसको दो तीन मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। और यहाँ सब्जी हमारी बहुत ही अच्छी से कुक हो रही है। अब मैं इसमें डालूंगी स्प्रिंग अनियन यानी कि हरी प्याज। थोड़ी सी मैंने डाली है, बाकी मैंने थोड़ी सी बचा ली है। हम ऊपर से जब इसकी गार्निशिंग करेंगे, जब चावलों को हम दम लगाएंगे, तो तब मैं इसमें ऐड करूँगी। इसके साथ अब इसमें डालते हैं मसाले। मसालों में मैं डालूँगी सिर्फ नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिएगा। और उसके साथ डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर। ठीक हो गया जी। थोड़ा सा मैं डालूँगी इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स विनेगर, वाइट विनेगर, और थोड़ा सा हम डालेंगे सोया सॉस। थोड़ा सा मैंने विनेगर डाला सिरका और थोड़ी सी मैंने डाल दी है इसके अंदर सोया सॉस। इसको अच्छे से अब हम बस हाई फ्लेम करके एक से दो मिनट के लिए पका दें। अब यहाँ जी मैंने ले लिए हैं तीन अंडे और अंडे का ये कलर आप देख रहे होंगे थोड़ा आपको चेंज लग रहा है, वो इसलिए क्योंकि मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा जर्दे का दम। अब इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा नमक और उसके साथ इसमें हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। अच्छे से इसको हम फेंट लेंगे। जर्दे का दम डालने से ये होता है कि जब हम इसको पकाएंगे तो बहुत ही प्यारा सा कलर जो है वो हमारे अंडे पे आएगा। जब हम इसको दम लगाएंगे, साथ चावलों में डालेंगे, एग फ्राइड राइस हम बना रहे हैं, तो बहुत ही प्यारा इसका कलर आएगा। अच्छे से इसको मैंने फेंट लेना है और इसको अब मैं कुक कर लूँगी। अब आती है बारी हमारे चावलों को दम लगाने की। चावल मैंने बॉईल कर लिए थे, अंडा भी हमने पका लिया है। अब जस्ट हमने इसकी करनी है असेंबलिंग। और जहाँ मैंने राइस डाले हैं, सबसे पहले उसके ऊपर मैं डाल दूंगी ये सारी हमारी कुक वेजिटेबल्स। ठीक है, सारी हमने उसके ऊपर जो रिमेनिंग राइस हैं वो भी हम डाल देंगे। ये हमने डाल दिए जी रिमेनिंग राइस और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे अंडा। अभी मैंने बना लिया था, पका लिया था पूरा। इसको इस तरीके से हम फैला देते हैं और इसके साथ ही मैं इसके ऊपर डाल दूंगी थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन। ऊपर से बहुत ही अच्छी लगती है ये, ग्रीन ग्रीन सा इसका कलर आता है राइस के साथ, तो बहुत ही प्यारी लगती है। ठीक हो गया जी। सबसे एंड में हल्का सा मैं डाल दूंगी इसके ऊपर सोया सॉस और अब हम इसको करेंगे कवर और अब हम इसको दम।
और ये देखिए चावल हमारे मज़ेदार से तैयार हो गए हैं, दम पे आ गए थे और मैंने इनको अब निकाल रही हूँ प्लेट में क्योंकि अब हमारा टाइम हो गया है लंच का, बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं। तो ये हैं जी हमारे ज़बरदस्त एग फ्राइड राइस, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही झटपट क्विक रेसिपी है। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा और मुझे अच्छे अच्छे से कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी आज की ये वीडियो रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम आपसे मिलेंगे अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।